अगर आप भी स्मार्टफोन से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का पेमेंट करते हैं तो UPI से आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या कह लें UPI का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफर करने की इजाज़त देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने विकसित किया है। इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, 2016 में ये लॉन्च हुआ था। ये दोनों RBI के अंडर ही रेगुलेट किए जाते हैं। UPI अकेले मोबाइल से ही ऑपरेट होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आजकल हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल हमारे साथ हमेशा रहता है। इंटर बैंक ट्रांसफ़र होता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और एक से जल्दी, अगर हम कहें एकदम से इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब कि आपको ट्रांसफ़र करना है तो 1 से 2 सेकंड के अंदर आप UPI ID के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भीम ऐप की। इसमें हम आपको बता दें, सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट है 10,000 रुपये और मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपये पर डे। इसकी एक जो है परेशानी भीम ऐप की, जिसमें कि हम एक बैंक अकाउंट को अकेले लिंक कर सकते हैं। बाकी अगर आप अदर प्राइवेट बैंक अकाउंट्स के UPI को देखते हो, लाइक आप Paytm देख सकते हैं, तो आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को वहाँ पर लिंक कर सकते हैं। वहाँ पर 1,00,000 रुपये तक पर डे की ट्रांजेक्शन लिमिट होती है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे आप 20 कर सकते हैं। चलिए, मेरा नाम है विवेक भरद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं रोज आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं UPI के 5 बेनिफिट्स, 5 फायदे UPI के। आपने भीम ऐप के बारे में सुना होगा, गूगल पे के बारे में सुना होगा, Paytm, फ़ोन पे, आजकल तो काफ़ी सारे बैंक्स भी UPI का इस्तेमाल करने लगे हैं। UPI के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कई लोगों को। इसका कारण, जो आज मैं 5 बेनिफिट आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे हम कैश की बात करें या वॉलेट की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की बात करें, या हम क्रेडिट कार्ड की बात करें या डेबिट कार्ड की बात करें, इन सभी से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर है हमारा UPI, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए चलते हैं हमारे पहले बेनिफिट पे, जहाँ पर लिखा हुआ है 24/7 पेमेंट्स कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा एक सुविधा और होता है हमारे बैंक में, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि हमें एक प्रॉब्लम यह है, वहाँ पर हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए बेनिफिशियरी का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, IFSC, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए किसी किसी बैंक में 30 मिनट लगते हैं, किसी किसी बैंक में 1 घंटा और किसी किसी बैंक में तो 12 घंटे तक लग जाते हैं। UPI के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। UPI के केस में आपको सिर्फ UPI की ID चाहिए सामने वाले के, और आप इजीली कभी भी कहीं भी उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा दूसरा बेनिफिट है नो इंटरेस्ट लॉस। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट बिल्कुल लॉस नहीं होता है। उसका कारण इसलिए क्योंकि आपका सारा पैसा जो है आपके बैंक में जमा होता है। जैसा आपने देखा होगा, आजकल कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि अपना वैलेट का यूज़ करते हैं। आप चाहे कुछ भी ले लें, अमेज़न पे हुआ, Paytm हुआ, इसके बाद आप जो खाना ऑर्डर करने के ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं, ये अपने अपने पर्सनल वैलेट भी रखते हैं। उन वैलेट्स में क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इवन जब आप उन वैलेट से उल्टा पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस भी देने होते हैं। यहाँ पर आपका पैसा UPI के केस में बैंक में रहेगा तो बैंक में आपको प्रॉपर उसका ब्याज मिलता रहेगा और कोई भी आपके ब्याज का लॉस नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा बेनिफिट है मल्टीपल पेमेंट मोड। आप एक बार इसको जो है आराम से सुने, क्योंकि पहला मोड है, आप किसी के मोबाइल नंबर से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस वह मोबाइल नंबर सामने वाले के बैंक अकाउंट से लिंक्ड अप होना चाहिए।
दूसरा आप आधार नंबर से जो लिंक होते हैं बैंक अकाउंट, उनसे भी आप पेमेंट इजीली कर सकते हैं। तीसरा है आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की मदद से भी जो है यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। चौथा, आपको जब आप अपना यूपीआई एप्लीकेशन बनाते हैं एक यूपीआई आईडी मिलती है, उस यूपीआई आईडी की मदद से भी आप जो है पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पांचवा है, आप क्यूआर कोड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है और वहां से आप इजीली क्यूआर कोड की मदद से भी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा चौथा बेनिफिट है, ट्रांजैक्शन चार्जेस ना के बराबर होते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप बैंकिंग सिस्टम के भी जो ऑनलाइन जैसे कि IMPS होता है, नेफ्ट होता है और भी जो सुविधाएँ होती हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर लगते हैं। आप जब ऑनलाइन कुछ और ख़रीदारी भी करते हैं या वैलेट से या आप बैंकिंग के थ्रू, तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने होते हैं, लेकिन UPI के केसेस में चार्जेस ना के बराबर होते हैं। आप सभी UPI के चार्जेस ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस UPI के ट्रांजेक्शन में लगते हैं। एक और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ सिक्योर ट्रांजेक्शन आपको मिलता है, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है। पहला होता है आपकी UPI आईडी, इसके बाद जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर जो है आपकी UPI का पासवर्ड डालना होता है। तो ये ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कुछ फ़ायदे हैं। हमारा पांचवा और आखिरी बेनिफिट है, सेंड एंड रिक्वेस्ट मनी, ये भी इजीली कर सकते हैं। सेंड करने का तो ऑप्शन मैंने आपको 5 बताए हैं किस तरीके से, रिक्वेस्ट मनी मैं एक बार आपको एलाबोरेट करना चाहूँगा। जैसे कि आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आप जैसे ही वहां पर स्कैन करके या UPI आईडी डालते हैं तो वहां आपने जितने रुपए का भी सामान खरीदा है उतने रुपए आपके UPI वाले पेज पर जो है शो होने लगते हैं। आपको सिर्फ वहां से क्लिक करके और पासवर्ड करके जो है मनी को वहां से मर्चेंट के अकाउंट में सेंड करना होता है। ये काफ़ी अच्छा है, आप किसी से जब पैसा भी मंगा रहे होते हैं तो आप अपने मोबाइल से UPI से उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जितने पैसों की, वह अपने मोबाइल पे उस पेज को ओपन करेगा और जितना पैसा आपने मांगा है उतने पैसे पर क्लिक करके पासवर्ड को डाल के वो वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। तो ये जो है पांचवा सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप सेंड और रिक्वेस्ट मनी भी इजीली यहां से UPI से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे UPI से जुड़े हुए 5 बेनिफिट्स जो कि हम लोगों को पता नहीं होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक